सी न्यूज लगातार आपको रूस यूक्रेन वॉर का हर अपडेट ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, वॉर जोन से दिखा रहा है। हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर युद्ध क्षेत्र से लगातार साहसिक रिपोर्टिंग कर रही हैं। अभी डोनबास में रूस के हमले का काफी तेज असर नजर आ रहा है। शिवांगी ठाकुर के डोनबास से ये रिपोर्ट पहुंचाई है, आप तक हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जिस इलाके में है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर रूस की सेना है और धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। लगातार यहाँ पर इसी तरह से धमाके हो रहे हैं और ये तीसरा गांव है। यहाँ से दो गांव आगे रूस की सेना पहुँच चुकी है और हम यहाँ से कोशिश करेंगे भीतर की ओर दाखिल होने की और गांव की तरफ जाने की। देखिए मुश्किल है यहाँ पर हालात और सेना के जवान एंड्रे हमारे साथ हैं इस वक्त और वो हमें कह रहे हैं कि इनके साथ ही हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। जगह जगह यहाँ पर माइंस लगे हुए हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतते हुए आपको ये तस्वीरें दिखानी होंगी। और ये एक तस्वीर आप देखिए, हम आ पहुँचे हैं यहाँ। इस तस्वीर को आप देखिए, व्हाट इज़ दिस सर? This is the trail of big weapon, big rocket. Big maybe, rocket attack. Maybe Iskander, like this. How many days ago? It was yesterday or the day before yesterday. तो देखिए कल ये धमाका हुआ है, रॉकेट धमाका, और कितना बड़ा गड्ढा आप देखिए कि कितना तेज होगा वो धमाका जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जहाँ पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त युद्ध चल रहा है वहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा भी पैन करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मात्र कुछ दूरी पर यहाँ से दो गांव छोड़कर रूस की सेना जो है वो आगे बढ़ रही है यूक्रेन की तरफ और यहाँ पर यूक्रेन की सेना उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।